आई ने हाल ही में आईपीएल 2020 की नीलामी की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अलग अलग टीम के इस पर अलग अलग तरीके के असर हुए हैं। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में मैं आपको उन तीन आईपीएल टीमों के नाम बताऊंगा जो आईपीएल ऑक्शन की डेट रिलीज होने के कारण काफी ज्यादा खुश हैं और इसके पीछे के रीजंस भी बताऊंगा। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली टीम जो आईपीएल नीलामी की डेट रिलीज होने के कारण काफी ज्यादा खुश है और उसके बहुत सारे रीजंस भी आए, वो है भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों अगर आप करंट कंडीशन में आईपीएल के आठों टीमों को उठाकर देखेंगे तो आपको हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम दिखेगी जिन्हें कोई ज्यादा परेशानी है नहीं। हालांकि इनके पास फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा है, फॉरेन इम्बेलेंस इनके पास ज्यादा है, लेकिन अगर हम नीलामी की बात करें तो इन्हें सिर्फ भारतीय खिलाड़ी खरीदना है। और जो रिपोर्ट्स भी आ रही है वो भी साफ करती है कि भाई हैदराबाद की टीम इस बार की नीलामी में सिर्फ लोकल भारतीय डोमेस्टिक बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स पर बोली लगाएंगी। गेंदबाज और विदेशी बल्लेबाज और विदेशी बॉलर्स और विदेशी ऑलराउंडर्स इनके पास पहले से ही है, मतलब इनके लिए अब एक सिट बैक्स और रिलैक्स का टाइम है। और जैसे ही रिलीज प्लेयर्स के नाम की घोषणा बीसीसीआई करवाएगा ये अपने नाम आगे कर देंगे, मतलब अब इनके लिए कोई ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं। इनकी पहले भी लगभग दो हफ्ते पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है जिसमें ट्रेवियस बेली जो कि इनके नए कोच है वो भी स्काइप के जरिए इंग्लैंड से जुड़ चुके हैं। मतलब साफ है, सारी चीजें क्लियर है, सारे खानों पर टिक जाता है। जहां दूसरी तरफ एक महीने पहले बहुत अच्छी दिख रही मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या और बुमराह की चोट के कारण परेशान हो गई है, हैदराबाद के साथ ऐसी चोट की दिक्कतें भी नहीं है और इसीलिए ये पहली टीम है जो काफी ज्यादा खुश है। दोस्तों दूसरी टीम जो नीलामी की तारीखें आने से काफी ज्यादा खुश है अलग अलग कारणों के चलते, वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों अगर हम इस समय राजस्थान रॉयल्स के डोमेस्टिक प्लेयर्स और विदेशी प्लेयर्स की बात करें तो इन्हें भी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी नीलामी में। हालांकि इनके जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पिछले दो साल से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास उसके अलावा कोई चांस भी नहीं है क्योंकि उतने अच्छे भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा भी नहीं होंगे। जहां तक विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो इनके पास बेन स्टोक है, इनके पास जोफ्रा आर्चर है, इनके पास जॉस बटलर है, तो इनके पास भाई विदेशी खिलाड़ी के रूप में एक सबसे सेंसिबल कप्तान है जो कि स्टीव स्मिथ है। अब यहां से राजस्थान रॉयल्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साथ ही जो लगभग तीन महीने पहले बात की जा रही थी कि इनका कप्तान और कोच कौन होगा, तो कप्तान भी कंफर्म हो गया, स्टीव स्मिथ ही कप्तानी करेंगे और कोचिंग भी शेन वॉर्न ही करने वाले हैं। मतलब अब इन्हें सिर्फ इंतजार करना है। ये भी चाहते थे कि जल्द से जल्द नीलामी हो जाए ताकि फिर वो आईपीएल का प्रिपरेशन कर सके और इन्हें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसी दिक्कत पंजाब की टीम को है उससे पूरी उलट है भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम। और गाइस तीसरी टीम जो कि आईपीएल नीलामी की तारीख को आने के बाद काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा हाइप्ड है, वो है भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दरअसल दोस्तों लगभग दो साल पहले जब चेन्नई की टीम नई तरीके से लौटी थी, बैन के बाद आईपीएल में लौटी थी, तब ये कहा जा रहा था कि ये ओवर एज टीम है, मतलब इनके पास बूढ़े प्लेयर्स ज्यादा हैं। अभी भी स्थिति वही है। तो चेन्नई की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो इनके बुजुर्ग प्लेयर्स थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी कि भाई क्या प्लेयर्स आगे खेलेंगे, क्या इमरान ताहिर खेलेंगे, क्या हरभजन सिंह खेलेंगे, क्या शेन वॉटसन खेलेंगे। इन तीनों का कन्फर्मेशन आ चुका है, अब चेन्नई को आईपीएल 2020 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उससे अगले आने वाले सालों में चेन्नई सुपर किंग्स को दिक्कतें हो सकती है क्योंकि इनके बड़े बड़े प्लेयर्स फिर रिटायर होने लगेंगे, लेकिन आईपीएल 2020 के इस मिनी ऑक्शन से पहले ये सिर्फ डेट्स का ही इंतजार कर रहे थे जो कि डेट्स आ चुकी है। साथ ही भाई कैप्टन्स और कोच के मामले में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ है इनके कप्तान सिर्फ और सिर्फ धोनी है और उससे बेहतर विकल्प इनके पास मौजूद नहीं है। तो भाई चेन्नई इस समय बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है। हालांकि दोस्तों इस लिस्ट में हम दिल्ली कैपिटल्स का नाम भी लिखना चाहते थे कि लेकिन दिल्ली की टीम है ना बिल्कुल क्लियर अप है, सिर्फ एक दिक्कत में फंसी हुई है क्योंकि अभी तक रविचंद्रन अश्विन की ट्रेडिंग फाइनलाइज नहीं हो पाई है, इसीलिए भाई इनके लिए नीलामी की तारीख आना थोड़ा सा मुश्किलात से भरा हुआ है। ऑन एंड ऑन दिल्ली भी भाई बहुत अच्छी पोजीशन पर है। तो भाई मेरे हिसाब से ये वो तीन टीमें हैं जो आईपीएल नीलामी की तारीखें आने से काफी ज्यादा खुश हैं और इसके अलग अलग रीजंस भी मैंने आपको बताए। आप भी भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए यूट्यूब ने दिया है, बताइए हमें कि आखिर क्यों टीमें खुश हैं, कौन सी टीमें खुश हैं आपके हिसाब से। अपना आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।